हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ क्रेजी कार। तो आज की जो वीडियो है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। सोचा नहीं था, रैंडमली एकदम थॉट आया मेरे को, तो सोचा कि शेयर किया जाए। आज की जो वीडियो है, बेसिकली इस पर मैं बात करने वाला हूँ कि आप जब कोई गाड़ी ख़रीदने जा रहे हो मार्केट में, तो आपको गाड़ी का एक तो बेस मॉडल मिलता है और एक टॉप मॉडल मिलता है, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो बेस मॉडल ख़रीदते हैं और उस पर मॉडिफिकेशन करवा के उसको टॉप मॉडल बनाते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक गाड़ी है, वो है क्रेटा, ठीक है। क्रेटा, सेल्टॉस, ये सब गाड़ियों का बेस मॉडल लोग ख़रीदते हैं एंड देन इसको फिर वो स्पीकर वगैरह अपग्रेड करा के और बढ़िया मतलब सब करवा के टॉप मॉडल बनवाना है विश्वास रखते हैं। अब आते हैं कुछ लोग जो करते हैं भाई कि हम टॉप मॉडल खरीदेंगे, खरीदनी है तो टॉप मॉडल खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो इनमें से बेसिकली ना सही कौन सा है, ठीक है। सी, ये अपने अपने टेस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग होते हैं तो मतलब जैसे मान लो मैं क्रेटा का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि क्रेटा एक टॉप सेलिंग गाड़ी है एंड वो जो बेस टू टॉप मॉडिफिकेशन क्रेटा में बहुत होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने 12 लाख 12.5 लाख दे के क्रेटा का बेस मॉडल ख़रीद लिया, ठीक है। ऊपर से आप उस पर 3 से 4 लाख रुपए लगाओगे तो लगभग 15-15.5-16 लाख तक अगर आप पैसे लगा दो एक्सटर्नली, और मतलब कि 12 लाख तो आपने लगा दिए गाड़ी के लिए, और अगर आप 3.5-4 लाख लगाते हो तो वो अमाउंट हो जाती है लगभग आपकी 15-16 लाख हो जाती है, ठीक है। तो 15-16 लाख में बहुत लोग ऐसे हैं जो टॉप मॉडल बनवा के आपको दे देंगे। जैसे आप करोल बाग जाओगे, ठीक है, और करोल बाग वगैरह जाओगे तो वहाँ पे क्या करेंगे कि मतलब क्रेटा को एकदम बढ़िया स्पीकर हो गया, स्टीरियो हो गया, जितने पॉसिबल मॉड्स है वो सब करके आपको वो गाड़ी दे देंगे। आपके लगभग वही 3.5-4 लाख जैसा कि मैंने बोला वो उतने खर्च होंगे पैसे, ठीक है। एंड आपको गाड़ी एक टॉप मॉडल टाइप की मिल जाएगी। अब बहुत लोग हैं वो बोलेंगे कि यार 16 लाख में वो खर्च नहीं है, तो मैं गाड़ी पे खर्चूंगा ना कि गाड़ी को खुलवा के उस पर मॉडिफिकेशंस करवाने में खर्चूंगा, ठीक है। एंड अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे को भी कार मॉडिफिकेशन का शौक बहुत है, बट ना गाड़ी है ना पैसे हैं। तो मैंने जैसे कि बोला तो मेरे को भी गाड़ी मॉडिफिकेशन का शौक है, बट टेस्टफुली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि यार एकदम कुछ भी बना दिया गाड़ी का, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं जो बोलेंगे कि यार नहीं यार मेरे को गाड़ी खुलवानी नहीं है, तो कहीं ना कहीं यार मेरे को भी ना गाड़ी खुलवाना मेरे को भी पसंद नहीं है उतना ज़्यादा। क्योंकि देखो, जो गाड़ी जो कंपनी फिट करके देती है आपको ना जैसी गाड़ी, वो कहीं ना कहीं ना आप जाओगे करोल बाग वगैरह या कहीं पे भी एक्सेसरी शॉप, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होगा ना उसमें, तो वो आपकी गाड़ी बजने लगेगी एंड दैट इज़ 100% गारंटी। अगर मैं अपनी राय दूँ कि मेरे को बेस मॉडल ख़रीदना है या टॉप मॉडल, अगर मैं 12 लाख खर्च रहा हूँ तो मैं बेस लूँगा या बेस लेके मॉडिफिकेशन करा के उसकी कॉस्ट 15-16 कर दूँगा, या मैं सीधा 15-16 लाख एक बढ़िया हायर एंड मॉडल पे डाल दूंगा। तो जी ऐसा है कि मैं हायर एंड मॉडल पे डालना पसंद करूँगा उतने पैसे, 15-16 लाख रुपए अगर मेरे जेब में है एंड मेरे को उस गाड़ी का कोई हायर मॉडल मिल रहा है तो मैं यार उसी में डालना शायद पसंद करूँगा, क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा गाड़ी खुलते हुए देखना उतना खास नहीं लगता। एंड सबकी राय अपनी अपनी होती है यार, बहुत लोग होते हैं जिनको गाड़ी अपने टेस्ट के हिसाब से चाहिए। अगर आप वैसे हो यार मेरे को अपनी गाड़ी ना अपने टेस्ट के हिसाब से चाहिए, गाड़ी का इंटीरियर मेरे टेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, गाड़ी में सीट कवर मेरे हिसाब से होने चाहिए, तो यार आपके लिए तो बेस मॉडल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। एंड अगर आप मेरे टाइप के बंदे हो कि हाँ कंपनी जो इंटीरियर दे रही है हमें बढ़िया लगता है, हम वही इंटीरियर पे चलेंगे, हमको वही चाहिए, देन आप हायर मॉडल्स पे ऑब्वियसली जा सकते हो। तो ये थी गाइस आज की एक छोटी सी वीडियो, इस पर मैंने आपके जो क्वेरी है इनका श्योर शॉट आंसर दिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड यार कोई ऐसा मतलब इररिलेवेंट सा कमेंट मत कर देना, कुछ भी लिख देते हैं यार बहुत लोग हैं, समझ में ही नहीं आता यार क्या मतलब पूछना क्या चाह रहे हैं वो मेरे से, ठीक है। तो हाँ,
तो कमेंट करो, तो अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर से कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।